सत्ता के महासंग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। और मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर जो वोटिंग चल रही है, पूरे देश भर में जो आज के चौथे चरण में वोटिंग चल रही, अंतिम दौर में मतदान पहुंच चुका है और बस कुछ ही देर में वोटिंग थम जाने वाली है। मध्य प्रदेश की कुल 8 सीटों पर मतदान चल रहा है और वोटिंग परसेंटेज की अगर 5 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की बात कर ली जाए तो 68.01% मतदान हो चुका है। कुछ देर में वोटिंग थम जाने वाली है, 6 बजने में, ज्यादा वक्त बचा नहीं, 3 मिनट बाकी। लेकिन अभी भी अगर मतदाता घर से निकलकर पास में मतदान केंद्र पहुंच जाते हैं, 6 बजे के पहले पहुंच जाते हैं, लाइन में लग जाएंगे, टोकन मिल जाएगा, मतदान कर पाएंगे। लेकिन 6 बजे तक का समय है और 6 बजे के बाद फिर वोटिंग समाप्त हो जाएगी। अभी 3 मिनट का वक्त बाकी है और ऐसे में जो लोग कतारों में खड़े हुए हैं वो भी मतदान कर रहे हैं और जब तक 6 नहीं बज जाते तब तक मतदान की ये प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी रहेगी। मध्य प्रदेश की 8 सीटें, मध्य प्रदेश का ये आखिरी चरण और इस आखिरी चरण में 8 सीटें मालवा और निमाड़ की जहां पर वोटिंग जो है वो हो रही है और ये अंतिम दौर में है। कुछ देर में वोटिंग थम जाने वाली है। मध्य प्रदेश की कुल 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है जिसमें इंदौर है, उज्जैन है, देवास है। इसके अलावा निमाड़ अंचल की बात कर ली जाए तो खरगोन की सीट है, मंदसौर की सीट है, खंडवा की सीट है, धार की सीट शामिल है इसमें और रतलाम की सीट शामिल है। कुल मिलाकर ये 8 सीटें आपको बता रहे हैं 5 बजे तक। मध्य प्रदेश की इन 8 सीटों का अगर कुल आंकड़ा देखा जाए तो 68.1% मतदान हुआ है और ये अच्छा तो कहा ही जा सकता है, 70% के आसपास छूटा हुआ। और अब ये माना जा रहा है कि आखिरी का जो वक्त है, एक घंटे का जो, क्योंकि ये 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है और एक घंटे का और वोटिंग परसेंटेज जो निकलकर सामने आएगा वो 70 तक छू जाएगा। और बड़ी खबर, इस वक्त समाप्त हो गया है, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। अंतिम घमासान मध्य प्रदेश का, चुनावी संग्राम का अंतिम घमासान, अंतिम चरण का मतदान थम गया। 8 सीटों पर वोट डाले गए हैं। अभी जो वहां पर मतदाता मौजूद हैं और कतार में खड़े हैं वे वोट जरूर डाल पाएंगे, लेकिन वोटिंग का समय इसी के साथ हो गया है समाप्त। 6 बज चुके हैं और 6 बजे तक ही, सुबह 7 से 6 बजे तक का वोटिंग का समय रखा गया था और इसी के साथ 6 बजते ही मध्य प्रदेश में अंतिम चरण जो है उसका समय भी समाप्त हो गया। 5 बजे तक 68.01% वोटिंग दर्ज की गई। एक घंटे का प्रतिशत और जो निकलकर सामने आएगा वो भी कुछ ही देर में सामने हम दर्शकों को बताएंगे। देवास की अगर बात कर रहे हैं तो 2024 में अभी तक 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत आप देख ही रहे होंगे, 2019 का भी आप देख रहे हैं कम, हालांकि इसमें अंतर नजर आ रहा है, लेकिन जब अंतिम फाइनल आंकड़े जो निकलकर सामने आएंगे उसके बाद ये पता चलेगा कि 2019 और 2024 के मुकाबले क्या वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहा है या फिर वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। पहले दो चरणों की अगर बात कर ली जाए तो वोटिंग प्रतिशत जो है वो लगातार कम देखा गया और उसके बाद तीसरे चरण में प्रयास किए गए वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के, चौथे चरण में क्या ये और बढ़ा है। सीधे चलते हैं ऋतु के पास, ऋतु वर्चुअल स्टूडियो से मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और वे भी जानकारी दे रही हैं वोटिंग प्रतिशत के बारे में और साथ ही साथ जो चुनाव समाप्त हो चुका है उसके बारे में भी ऋतु जानकारी दे रही हैं। ऋतु, ओवर टू यू। जी 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 जी, चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है, जहां जहां पर कतारें लगी हुई हैं वो लोग वोट कर सकेंगे। आपको बताते चलते हैं कि आखिर कहां कहां पर अभी तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, इस बारे में जानकारी हम आपको देखें कितना मतलब उत्साह के साथ लोग पहुंचे और बढ़ चढ़ करके इस मतदान में हिस्सा लोगों ने लिया, एक एक करके एक एक सीट की आपको जानकारी, सटीक जानकारी देंगे। 5 बजे तक आखिर वोट परसेंटेज कितना रहा है उसकी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले जिक्र देवास का, यहां पर 71.53% मतदान हुआ है, यहां पर लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हालांकि ये बहुत आगे भी जाएगा क्योंकि अभी सिर्फ 5 बजे तक के आंकड़े हैं, आगे बढ़ेंगे। धार का भी जिक्र कर लेते हैं, 67.55% यहां पर मतदान हुआ है, अभी भी कतारें लगी हुई हैं लंबी लंबी और यहां पर अभी भी प्रतिशत बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। इंदौर का जिक्र करते हैं, सबसे कम मतदान की बात यहां पर कही जा रही है, 56.53% मतदान इंदौर में हुआ है। हालांकि क्यों मतदाता इतना सुस्त है ये
जानने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। तरह तरह के जतन यहां पर किए गए हैं कि लोग कैसे न कैसे करके पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये देखिए खंडवा का हम जिक्र कर लेते हैं, 68.21% यहां पर मतदान हुआ है, 68.21% खंडवा में मतदान हुआ है। वहीं आगे बढ़े खरगोन का अगर जिक्र करें तो यहां पर भी मतदान अच्छा खासा देखा गया, अभी भी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग अभी भी वोट करने के लिए जो है लाइन में लगे हुए हैं। 70.80% खरगोन में मतदान हुआ है, 70% से ज्यादा खरगोन में मतदान देखने को मिला है। यहां पर भी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, पर हम पहले के मुकाबले देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज में कमी आती हुई नजर आ रही है। मंदसौर का जिक्र कर लेते हैं, 71.76% मतदान मंदसौर में हुआ है, 71% से ज्यादा मतदान यहाँ हुआ। मध्य प्रदेश में हमने अलग अलग जिलों में देखा कि मौसम का मिजाज तो बदल चुका है, लोग आसानी से घर से निकल सकते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। रतलाम का जिक्र कर लेते हैं, यहाँ पर 70.61% मतदान यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ पर भी अच्छा खासा मतदान हुआ। उज्जैन का अगर जिक्र किया जाए, महाकाल की नगरी का अगर जिक्र किया जाए, जहाँ से मध्य प्रदेश के CM यादव खुद आते हैं, वहाँ का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर 70.44% मतदान हुआ है। और लगातार हमारे साथ सहयोगी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं पुनीत जी। पुनीत, ओवर टू यू। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं और उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि वोटिंग थम चुकी है और हमारे चार सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक करके उनके पास चलते हैं स्क्रीन पर। बस कुछ ही देर में चारों सहयोगी आने वाले हैं, उनका परिचय भी आपसे कराएंगे। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा मिथिलेश भी जुड़े हुए हैं, आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, किस सीट पर आप मौजूद हैं, दिन भर क्या कुछ आपने देखा, वोटिंग प्रतिशत जो है वो भी करीब करीब 5 बजे का तो सामने आ ही चुका है, इसके बाद अब एक और घंटे का वोटिंग प्रतिशत भी सामने आ जाएगा। चुनाव थोड़ा अलग हो चुका था क्योंकि जब यहाँ पर वोटिंग शुरू हुई उसके पहले ही यहाँ पर कांग्रेस ने एक अपील की थी कि नोटा को लेकर यह प्रमोट किया गया, लेकिन ऐसा कोई खास असर यहाँ देखने को मिला नहीं है। अगर हम MP की बात करें तो पिछली जो 8 सीट थी पिछले वर्ष के 2019 के चुनाव में 76% चुनाव वोटिंग लगभग हुई थी, इस बार अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि 70% वोटिंग हुई है। अगर अब हम इंदौर की बात करें तो इंदौर शाम को 5 बजे तक 56% वोटिंग हो चुकी थी और अगर ऐसा संभावना है कि 3 से 4% और बढ़ सकता है तो ये 60% के आसपास मतदान हो सकता है, जो कि पिछले चुनाव के मुकाबले 9% कम रहेगा। पिछले चुनाव में 69% वोटिंग हुई थी, उसकी एक बड़ी वजह थी कि उस समय भाजपा के सामने कांग्रेस प्रत्याशी था, दोनों पार्टियां यहां पर मजबूत थी, लेकिन इस बार स्थितियां काफी अलग रही। यहां पर BJP का उम्मीदवार तो रहे मैदान में, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय बम ने आखिरी वक्त पर नामांकन वापस ले लिया था और उसका असर यह पड़ा कि यहां पर कोई विपक्ष का बड़ा चेहरा नहीं था, कोई उम्मीदवार नहीं था, और इसी कारण जो देखने को आया कि कांग्रेस ने नोटा की अपील की उसके बाद भी यहां हालांकि अच्छा रहा, अगर BJP की तैयारियां या प्रशासन की तैयारियों को देखें तो वोटिंग प्रतिशत अच्छा रहा है क्योंकि सामने कोई उम्मीदवार बड़ा चेहरा नहीं था, उसके बाद भी अगर 60% के ऊपर मतदान जा रहा है तो एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। हालांकि वर्ष 2019 से यह मतदान कम रहेगा और मतदान को लेकर काफी प्रयास भी किए गए कि मतदान प्रतिशत बढ़े, प्रशासन ने पहल की, चुनाव आयोग ने पहल की, उसके बाद भी 60% तक मतदान यहाँ रहा है। अब बात की जाए तो यहाँ पर जो बड़े नेता हैं BJP के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने सुबह ही दावा किया था कि इंदौर सीट पर कोई नोटा का असर नहीं होगा और यहाँ पर करीब 10 लाख वोट से BJP प्रत्याशी जीतेंगे। वही कांग्रेस की तरफ से यही अपील की गई कि इंदौर नकारात्मक, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की राजनीति हुई है, जिस तरह से प्रत्याशी को अपहरण कर लिया गया, जीतू पटवारी कहते देखे गए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपील की कि नोटा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। अब ये देखना होगा कि यहाँ पर आखिर में जब वोट जो डले हैं उसमें कितनी BJP को वोट मिलते हैं और कितना नोटा पर जाता है। ठीक। लगातार और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र भदौरिया भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मिथिलेश भी जुड़े हुए हैं, मिथिलेश के पास लौटूंगी मैं। सबसे पहले शैलेंद्र भदौरिया का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, इस पूरे चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं आप, 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है, सबसे ज्यादा क्या असर डालता हुआ नजर आया, क्या जहन में लेकर के मुद्दे जो है मतदाता पहुंचे मतदान केंद्रों तक?
देखिए ये पूरा इलाका जहां पर चुनाव हुए अधिकांश इलाके आदिवासी बाहुल्य इलाके थे, एक दो सीटों को छोड़कर। तो यही कारण है कि जब भी आम मतदाता से बात हुई तो मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे को लेकर उन्होंने बेहद ध्यान रखा है, खासकर स्कूली शिक्षा की बात हो, हायर एजुकेशन की बात हो या फिर मेडिकल को लेकर। देखिए मेडिकल में केवल मेडिकल एजुकेशन ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को बेहतर मिले, ये अधिकार पाने के लिए आज उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है। तमाम जो सीटों जितने भी सीटें हुई हैं उन सभी सीटों पर लगभग यही बात सामने निकल कर आई कि जो प्रत्याशी उनके हितों का ध्यान रखेगा, उनके अधिकारों का ध्यान रखेगा, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार हो। क्योंकि देखिए ये इलाका आदिवासी बाहुल इलाका है और भले ये कहा जाता हो सरकारों ने बहुत काम किया, लेकिन कई इलाके आज भी कई गांव ऐसे हैं जो है कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं और यहाँ के युवा जो है वो पलायन करते हैं। तो पलायन ना हो, यानी इंडस्ट्रीज स्थापित हो, लोग पढ़ लिख जाएं, ये जो मुद्दे हैं वो सबसे ज्यादा हावी रहे हैं। और सुबह से ही हमने देखा कि धार में जिस तरीके से 6:30 बजे के आसपास से ही बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। हालांकि 5 बजे तक के जो आंकड़े वो 68% के आसपास बता रहे हैं कि मतदान हुआ है, लेकिन अगर 2019 के अगर आंकड़े उठाकर देखें तो धार में लगभग 75% वोट हुए थे। तो जो 2019 का आंकड़ा था उससे अभी हम पीछे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आखिरी ये घंटे का जो मतदान हुआ है या जिन इलाकों में अभी भी लाइनें लगी हैं वहां से जब फाइनल डेटा पहुंचेगा तो पिछले साल 2019 का जो डेटा है उसको हम धार के जो लोग हैं वो पार कर चुके हैं। हालांकि धार में मैं आपको बताऊं कि आखिरी समय में एक घंटे की जो तेज बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं मतदान प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन कितना प्रभावित हुआ ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मैं जिस पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूँ वहां की मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर टेंट लगाया गया था, काफी जो टेंट भी उड़ गया और जगह जगह पानी भी भर गया। तो ये जो है शहरी इलाके का पोलिंग बूथ है, अगर हम ग्रामीण इलाकों के पोलिंग की बात करें तो वहां पर जो है काफी परेशानियां वो लोगों को आखिरी समय में उठानी पड़ी, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि शाम को बारिश हो सकती है और वही हुआ कि 5 बजे के आसपास तेज बारिश आई जिसके चलते मतदान भी प्रभावित कुछ सीटों पर हुआ है। लौटेंगे, मिथिलेश गुप्ता भी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, खूब प्रमोट किया गया नोटा को, आखिर कितना असर इसका दिखा और आखिर मिथिलेश के पास इंदौर इंदौर में इतने सुस्त क्यों दिखे मतदाता आखिर? दरअसल उज्जैन में मौजूद हैं और इंदौर में शैलेंद्र जानकारी दे ही रहे थे, मिथिलेश के पास जाएंगे। लेकिन मिथिलेश के पास जाने से पहले मंदसौर का रुख कर लेना जरूरी है, क्योंकि हम जब चर्चा कर रहे थे तो यहाँ पर ये कहा गया कि मंदसौर में बड़ी टफ फाइट कही जा रही है। तो टफ फाइट कैसी रही मंदसौर में, क्या लोगों के दिमाग में चलता रहा मतदान करने को लेकर के, क्योंकि ये बॉर्डर वाला इलाका है, राजस्थान से बॉर्डर भी छूती है। तो चलते हैं, हमारे साथ नरेंद्र मौजूद हैं। नरेंद्र, राजस्थान से लगा हुआ यह इलाका है। इस बार जो चुनाव लड़ा गया वो स्थानीय उम्मीदवार और बाहरी उम्मीदवार के बीच में लड़ा गया। भाजपा ने एक बड़ा मुद्दा बनाया कि नागदा खाचरोद विधानसभा सीट से 4 बार के विधायक रहे, दिलीप सिंह गुर्जर को यहाँ पर उम्मीदवार बनाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर इनको कोई उम्मीदवारी नहीं मिला। और कांग्रेस ने बहुत कोशिश करी कि यहाँ के जो कद्दावर नेता है, खुद भाजपा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विपिन जैन जो मंदसौर से विधायक भी है, उनको भी टटोला था कांग्रेस ने और उनको कहा था कि आप यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ो, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। आखिरकार दिलीप सिंह गुर्जर को के नाम पर सहमति बनी और वो चुनाव लड़े और भाजपा ने इसे पूरी तरह से भुनाया है। विकास के नाम पर भाजपा ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने कहा कि 10 साल में यहाँ के सांसद सुधीर गुप्ता ने कोई विकास किया नहीं, केवल बातें करी है। तो दोनों तरह की बातें यहाँ पर हुई है, लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा। जैसी कि उम्मीद की जा रही थी कि पिछले जो दो तीन दौर थे उसमें मतदान का प्रतिशत कम हुआ था, इस बार यहाँ मंदसौर में भी कम होगा, लेकिन पूरी जिला निर्वाचन अधिकारियों की टीम और खुद राजनीतिक दल इसमें पूरी तरह से हुए थे कि आखिरकार परसेंटेज जो डाउन जा रहा है उसको कैसे संभाला जाए। लेकिन खुशी की बात यह है कि शाम 6 बजे तक ये परसेंटेज 72% से ऊपर निकल गया और कहीं कहीं से राजनीतिक दलों की जो मेहनत थी वो और निर्वाचन आयोग की जो मेहनत थी स्विप प्लान के जरिए और लगातार मैसेज के जरिए, अभी आज हमने देखा कि जो मतदाता मतदान करने नहीं आए उनको BLO फोन कर रहे हैं कि आपके यहाँ से इतने मतदान होना बाकी आप क्यों नहीं आए। ये एक बड़ी मेहनत निर्वाचन आयोग की रही है और राजनीतिक दलों की भी मेहनत रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और अभी हमारे पास जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ठीक। वरुण का भी रुख कर लेते हैं। वरुण, आखिर कितना उत्साहपूर्वक वहां पर मतदान केंद्रों पर लोग पहुंचे, कैसा मतदान रहा, कैसी तैयारियां वहां पर की गई थी, क्या जहन में मुद्दे थे मतदाताओं के, बताइए।
देखिए देवास जिले की अगर बात करें तो हम 2008 परिसीमन में इस सीट का उद्बोधन हुआ था, इस सीट का उद्बोधन हुआ था। उसके बाद ही यहाँ पर 2009 में चुनाव हुए, 2009 में सज्जन सिंह वर्मा यहाँ से जीत के आए, उसके बाद 2014 में फिर से चुनाव हुए और इस बार बीजेपी जीती। बीजेपी लगातार एक दशक से यहाँ पर जीतती आ रही है और पिछली बार यहाँ से सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जीते थे। लगातार यही मुद्दा उठता रहा है कि कोई न कोई भारी प्रत्याशी इंदौर से या इंदौर की राजनीति से जुड़ा यहाँ पर आता है और लोकसभा पर राज करता है। कहीं ना कहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का गढ़ यह क्षेत्र माना जाता है और इसी को लेकर जो है बीजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं फायदे में रहती है और एक दशक से इस बार कब्जा जमाए हुए है। और लोकल मुद्दों की अगर बात करें तो देवास जिले में इंदौर कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है, शिक्षा स्वास्थ्य और क्षेत्र रोजगार के क्षेत्र में इंदौर की ओर देवास जिले को रुख करना पड़ता है, तो ये सबसे बड़ा एक मुद्दा पलायन का, रोजगार का इसका माना जा रहा है। जी ठीक है, ठीक है, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर माना जा रहा है कि देवास के लोग अगर रोजगार चाहिए होता है तो फिर इंदौर की तरफ रुख करते हैं और दूसरी जगह उनको जाना होता है। अहम मुद्दा है, खरगोन की बात करते हैं। खरगोन निमाड़ अंचल में आने वाला और इस मौसम में तो सबसे ज़्यादा तपने वाला क्षेत्र है, लेकिन इस बार मौसम जो है वो मेहरबान रहा, थोड़ी ठंडक रही। वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, लोगों के दिल और दिमाग में क्या चला, खरगोन से आशुतोष जुड़े हुए हैं। आशुतोष, पुनीत मैं आपको बताना चाहूंगा खरगोन लोकसभा चुनाव को लेकर जो मतदान हुआ है, अभी अभी मैं ये खरगोन शहर में बीटीआई रोड पे एक प्राथमिक विद्यालय है यहाँ पे मौजूद हूँ और अभी अभी मतदान समाप्त हुआ है। करीब एक दर्जन लोगों जो अंतिम रूप से बचे थे उन लोगों का मतदान कराया गया। जहां तक मतदान की बात है तो जो हमारे पास पांच बजे तक का आंकड़ा आया था वो करीब 71% पहुंच गया था। हमारी अभी जिला निर्वाचन अधिकारी है कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, वो इस मतदान केंद्र का ही निरीक्षण करके गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो पिछले बार 2019 में 74% के करीब मतदान था, लगभग वहां तक पहुंच जाएगा, तो ये बड़ी बात मानी जा रही है। क्योंकि खरगोन में सुबह तो खुशनुमा माहौल था लेकिन दिन में गर्मी पड़ी थी और इस बार प्रशासन के द्वारा मतदाता को जागरूक करने का जो अभियान चलाया गया था उसके चलते हुए कहीं ना कहीं माना जाएगा जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो पिछले 2-3 चरणों में मतदान का प्रतिशत कम हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये खरगोन प्रशासन की मेहनत या निर्वाचन आयोग की मेहनत है कि मतदान का प्रतिशत जो है 2019 के आसपास जा रहा है या उससे ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि फाइनल आंकड़ा भी आना बाकी है। जहां तक चुनाव की बात की जाए तो ये बीजेपी का पिछले 3 चुनाव से लगातार यहाँ जीत होने की वजह से गढ़ बन गया था, लेकिन इस बार रोचक मुकाबला माना जाता है। हालांकि जो बीजेपी के प्रत्याशी है गजेंद्र सिंह पटेल, उनके समर्थन में चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो या डॉक्टर मोहन यादव हो, लगातार समय की राहुल गांधी भी आए थे, कहीं ना कहीं जो बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही, लेकिन 4 जून को जब परिणाम सामने आएंगे जब भी पता लगेगा। और अभी हम अभी इस मतदान केंद्र से जो अंतिम मतदाता है जिन्होंने अपना मतदान किया, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे मतदान करने पहुंचे थे, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन ने विशेष तौर पर बहुत अच्छा सहयोग करा, सभी मतदाताओं को सक्रिय भी करा और हम भी दिन भर यानी मतदाताओं को मत डालने के लिए वार्ड के अंदर। आप बहुत लेट पहुंचे हैं, क्या जागरूकता अभियान तो यह चला है लेकिन आप लेट पहुंचे मतदान करने, क्या कहना चाहेंगे? मतदाताओं को जागरूक कर रहे थे ताकि भाई आप अपना मतदान करें और लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं। तो देख सकते हैं लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई आहुति डालना चाहता था और हर कोई ये चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। लोगों ने अपने प्रशासन और निर्वाचन आयोग के अलावा लोगों ने भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। ठीक ठीक मिथिलेश, कई सारे जतन किए गए इंदौर में, आखिर सुस्त क्यों दिखा वहां का मतदाता, क्यों यहाँ का वोट परसेंटेज कम रहा, क्या लगता है नोटा असर डालता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए अगर नोटा की बात की जाए तो कांग्रेस ने प्रचार प्रसार चलाया, करीब 10 से 15 दिन तक नोटा का प्रचार प्रसार कांग्रेस द्वारा अलग अलग तरीके से किया गया, कभी नोटा चाय पिलाकर कभी पोस्टर लगाकर, लेकिन एग्रेसिव मोड में यह पूरा प्रचार प्रसार चलाया गया इंदौर में। शायद कांग्रेस जब चुनावी मैदान में रहती या चुनावी मैदान में जब भी कांग्रेस रही, कांग्रेस का कभी इतना एग्रेसिव मोड में अभियान देखने को नहीं मिला कभी भी। लेकिन जब उनके जो कैंडिडेट थे अक्षय कांति बम, जैसे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया उसके बाद से कांग्रेस लगातार
नोटा के समर्थन में अभियान चला रही थी। और हालांकि अब इस पूरे चुनाव को देखा जाए तो पूरा जो चुनाव था वो बीजेपी वर्सेज नोटा चल रहा था, तो कहीं ना कहीं लोग सोचते थे लोगों को चुनाव में इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था। लेकिन जो फिर भी जो अभी तक आंकड़े हैं, जो जिस तरीके से वहां मतदान हुआ है, इसमें प्रशासन की तारीफ करना चाहिए। इस बार प्रशासन ने कई अलग अलग तरीके से अभियान चलाया, प्रशासन ने साथी के अभियान कई तरीके से चलाया गया। उज्जैन सीट का भी हाल, क्योंकि मिथिलेश उज्जैन में ही मौजूद है, मिथिलेश उज्जैन सीट का हाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप दिन भर वहीं पर मौजूद थे। महेश परमार और अनिल फिरोजिया, कड़ी फाइट क्या उज्जैन में देखने को मिल रही है लोगों के बीच, क्या देखने को मिला पिछला वोटिंग प्रतिशत, अभी का वोटिंग प्रतिशत, उसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, अगर उज्जैन लोकसभा सीट की बात करते हैं तो शाम के 5 बजे तक 70% के आसपास में मतदान हुआ, जो काफी बेहतर रहा। अभी 1 घंटे का रिजल्ट आना बाकी है और 1 घंटे में शायद 3-4% और बढ़ जाएगा। लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो इस बार ग्रामीणों ने घर से ज्यादा निकले और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदान देखने को मिला। यानी समय के साथ में सुबह 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे के साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत का जो आंकड़ा तेजी से बढ़ता रहा, यानी ग्रामीण में इस बार लोगों ने बेहतर मतदान किया शहर बार की तरह। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे दिलचस्प बात तो यही बात है कि हमारे लोकतंत्र के महापर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग बहुत अच्छी होती है, और वो हर बार सिखाते हैं शहरी क्षेत्र के लोगों को कि आप भी वोट डालिए। लेकिन फिर वही कहा जाता है कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो वोट डालने नहीं जाते, जाना चाहिए था। अब तो खैर समय निकल चुका है, वक्त एक ब्रेक का हो चुका है। आप सभी सहयोगियों का शुक्रिया, बने रहिए।